Good morning, everybody. Today I'm going to teach you there is the one structure that is the how long. How long? ये भी हम लोग हमेशा बोलते हैं, बोलते ही रहते हैं. कब किसकी क्या जरूरत पड़ती है. वैसे how long से अगर मैं बात करूं तो आप बोलते हैं कितना समय लगेगा, तैयार होने में कितना समय लगेगा. क्या बोलते हैं, तैयार होने में कितना समय लगेगा, यहां आने में कितना समय लगेगा, खाना खाने में कितना समय लगेगा, स्नान करने में कितना समय लगेगा, बाल कटवाने में कितना समय लगेगा. तमाम प्रकार की बातें बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं ना. पढ़ने में ये काम पूरा करने में कितना है, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, राइट. सड़क को बनवाने को में सरकार का कितना समय लग सकता है, कितना समय लगेगा, कितना समय लग सकता है, कितना समय लगता है. तमाम दुनिया प्रकार से बातें करते हैं, यानी हम लोग ढेरों सारी बातें करते हैं अबाउट द इन सभी प्रोजेक्ट्स. हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, कितना लंबा, कितना लंबा. बट यहां पर कितना लंबा से नहीं बात करते, कितना लंबा समय यानी कितना समय से बात किया जाएगा. हम लोग एप्लीकेशन आप जानने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है. जैसे हम लोग बातें अक्सर करते ही रहते हैं, समय समय पर क्या बातें हो जाएगी पता नहीं होगा. तो आइए हम इसके डिटेल्स के बारे में स्टडी करते हैं कि हाउ लॉन्ग एक कैसा स्ट्रक्चर है, कितना यूजफुल है और एटलीस्ट यूजेज है. बहुत अच्छी चीजें हैं, हमेशा कुछ न कुछ बोला जाता है. तो स्ट्रक्चर्स नंबर 9 की मैं बात कर रहा हूं. कौन से स्ट्रक्चर्स की, स्ट्रक्चर्स नंबर 9 के अंतर्गत ये हम आपको टीच कर रहे हैं अबाउट द हाउ लॉन्ग के बारे में. किसके बारे में, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग. बच्चे के दिमाग में रहेगा कितना लंबा, लेकिन यहां पर कितना लंबा समय यानी कितना, कितना समय से बात कर रहा है, क्या कर रहा है, कितना समय से बात कर रहा है. अक्सर बोलते हैं बाजार रहने में कितना समय लगेगा, काम करने में कितना समय लगेगा, होमवर्क पूरा करने में कितना समय लगेगा, तैयार होने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा तो मुझसे मिलने में कितना समय लग सकता है, कितना समय लगना चाहिए. तमाम कभी चाहिए से बात करते हैं, कभी सकता से बात करते हैं, कभी ताते से बात करते हैं, कभी लगेगा से बात करते हैं. तमाम दोनों प्रकार के मूड में आप चेंजेस करते हैं. तो आइए देखते हैं कैसे इसकी जनरेट करते हैं, कैसे फॉर्मेट करते हैं. कहते हैं बाजार जाने में तुम्हें कितना समय लगेगा, बाजार जाने में तुम्हें कितना समय लगेगा, बाजार जाने में कितना समय लगेगा, तैयार होने में कितना समय लगेगा, तैयार होने में कितना समय लगेगा, लगेगा यह काम पूरा करने में कितना. भाई दो तीन एग्जांपल तो लिख सकता हूं मैं, हाउ लॉन्ग को पढ़ा रहा हूं मैं, राइट. लेकिन मैंने अभी क्या बोला था, तैयार होने, बाजार जाने में कितना समय लगेगा, तैयार होने में कितना समय लगेगा, यह काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, यह काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, यह काम पूरा करने में कितना समय लगेगा. ऐसी चीजों को फॉर्मेटिंग कैसे किया जा रहा है, कितना समय लगेगा इसका होता है हाउ लॉन्ग. या यही समय बताऊं मैं दो तीन एग्जाम्पल से आप समझिए. बाजार जाने में तुम्हें कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू गो टू मार्केट. How long will it take you to go to market? How long will it take you to go to market? How long will it take you to go to market? Okay. तैयार होने में कितना समय लगेगा? How long will it take you? आप यहां पर एक करिए इसको. टू गेट रेडी, हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू गेट
रेडी, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इसको क्वेश्चन में फॉर्मेट कर सकते हैं, ऐसे भी इसको कर सकते हैं। क्या काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू कंप्लीट दिस वर्क, या काम पूरा करने में तुम्हें कितना समय लगेगा। यानी आप यहीं पर जो टू के बाद से ही सब एडिंग किया जा रहा होता है, स्नान करने में कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू हैव बाथ, राइट। यानी खाना खाने में कितना समय लगेगा, कपड़े साफ करने में कितना वो लगेगा, ये सारी बातें आप यहीं से पूछ सकते हैं। आंसर कैसे देंगे इसका, क्वेश्चन तो करने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन इसका रिप्लाई कैसे करेंगे। अगर मैं बात करना चाहूं मैं तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू गो टू राजतला मार्केट, कितना समय लगता है, तो विल के स्थान पर क्या करेंगे, डज का एप्लीकेशन करेंगे। हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू गो टू राजतला मार्केट, या टू गो टू मार्केट, हमारा मार्केट क्या है, राजतला मार्केट है, बड़ा फेमस है, इसलिए हमारे जबान पर राजतला मार्केट ही आता है, जो वाराणसी सेक्टर जोन के अंतर्गत आता है। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू गो टू मार्केट, हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू गो टू मार्केट, और बाजार जाने में कितना समय लग सकता है, तो सकता से बात आ गया, इस हेल्पिंग वर्ब के जगह पर कैन का एप्लीकेशन कर देते हैं, और लगना चाहिए क्या करते हैं, लगना चाहिए। तो हाउ लॉन्ग शुड इट टेक यू टू गो टू मार्केट, और कितना समय अवश्य लगेगा, अवश्य लगेगा ऐसा बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हाउ लॉन्ग मस्ट इट टेक यू टू गो टू राजतला मार्केट, या मार्केट हमारी जुबान पर हमेशा मार्केट में पढ़ाता हूं मैं, तो मार्केट के ही मैं बात कर रहा हूं मैं। ये तो क्वेश्चन हो गया, आप जिस भी मूड में करना चाहते हैं उस मूड में क्वेश्चन कर सकते हैं, तब्दीलियां यहां पर देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात होती है कि जैसा डायरेक्शन जैसा मूड रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको चेंजेस कर सकते हैं। यहां पर इट का एप्लीकेशन जरूरी है क्योंकि टाइम के लिए इट का प्रयोग करते हैं, और कितना समय लेते हो लेने के संबंध में टेक का प्रयोग किया जाता है, हैव का भी कर सकते हैं, कौन आप क्या करने में, ये करने में। और रिप्लाई कैसे करेंगे, रिप्लाई ऐसे करेंगे, इट विल टेक मी 5 मिनट 10 मिनट 1 आवर्स 2 आवर्स 3 आवर्स क्या करने में, टू गो टू मार्केट, इट विल टेक मी 5 मिनट टू गो टू मार्केट, इट डज टेक मी 5 मिनट टू गो टू मार्केट। इसमें डू का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि यह सिंगुलर माना जाता है। क्वेश्चन करेंगे कैन से करेंगे, जैसे कैन से करेंगे तो इट कैन टेक मी 5 मिनट टू गो टू मार्केट, इट शुड टेक मी 5 मिनट टू गो टू मार्केट, इट मस्ट टेक मी 5 मिनट टू गो टू मार्केट। इसके स्थान पर जिस मोड में आप क्वेश्चन करते हैं उसी मोड में रिप्लाई देते हैं, और सेम टू सेम प्रक्रिया होती जाती है, मतलब समझते हैं। और इसका और भी है, जैसे दिन के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात करते हैं, दिन के बारे में बात कर रहे हैं कि यह काम पूरा करने में कितना समय कितना दिन लगेगा। जैसे मैं बात करना चाहता हूं, मैं एक्चुअली मैं एक वीडियो नहीं कई वीडियो एक मैं शूट कर लेता हूं मैं, तो थोड़ा बहुत दिक्कतें होती है कि यहाँ थक जाता हूं मैं, मेहनत करना है आपके साथ, मेहनत करना है तभी तो मेरी तरक्की होती है। जैसे कहते हैं कि यह काम करने में कितना दिन लग सकता है या लगता है, यह है पूरा मिटा देते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी चीजें हैं कि यह काम पूरा करने में
कितना दिन लेगा या इस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, किसी भी एंगल से बात कर सकते हैं, या लगता है, लग सकता है, लगना चाहिए। तो दिन से अगर बात करते हैं तो हाउ मेनी डेज विल इट टेक यू टू कंप्लीट दिस वर्क, हाउ मेनी डेज विल इट टेक यू टू कंप्लीट दिस वर्क, कितना दिन लगेगा, हाउ मेनी डेज डज इट टेक टू कंप्लीट दिस वर्क, कितना दिन लग सकता है, हाउ मेनी डेज कैन इट टेक यू टू कंप्लीट दिस वर्क या दिस वर्क, हाउ मेनी डेज शुड इट टेक यू टू कंप्लीट दिस वर्क, हाउ मेनी डेज मस्ट यू टू मस्ट इट टू टेक यू टू कंप्लीट दिस वर्क। चलिए हम दो तीन चीज का बहुत ज्यादा एप्लीकेट करते हैं, आंसर में कैसे होगा, इट विल टेक मी 5 days टू कंप्लीट दिस वर्क, इट विल टेक मी 5 days टू कंप्लीट दिस वर्क। यहां क्वेश्चन मार्क कर दीजिए, यहां रिप्लाई करते समय ऐसा चीज होता है, इट डज टेक मी 5 days टू कंप्लीट दिस वर्क, कैन टेक मी 5 days टू कंप्लीट दिस वर्क, जिसमें मोड में क्वेश्चन रहेगा उसमें भी कर सकते हैं। और यहीं पर स्पोकन इंग्लिश सीखने में कितना समय, कितना महीना लगेगा, लग सकता है, लगता है, लगना चाहिए, तो हाउ मेनी मंथ, डेज की जगह पर क्या कर देंगे, मंथ कर देंगे, विल इट टेक्स, इट विल टेक मी 5 months या 3 months, 2 months टू कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश या जो भी करना चाहते हैं। तो गेस्ट गेट्स हाउ लॉन्ग से बात करते हैं, तो हाउ लॉन्ग जो हम लोग छोटी बातें करते हैं वो बातें करने के लिए इस पैटर्न्स पर अगर काम करते हैं तो ये थोड़ा टफ होता है, प्रैक्टिस करना बड़ा टफ होता है, बट इसकी पूरी की पूरी फॉर्मेट, चूंकि पढ़ाना अलग होता है डिजाइन करना अलग होता है, तो डिजाइन करेंगे तो आपके सारी चीज देंगे और ये सब सारे प्रोजेक्ट आपके सामने रेडियो का रहा है, सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, इसको नोट करिए, इसको एंजॉय करिए, एंड आई थिंक दैट्स लाइक यू विल एंजॉय ऑफ दिस वीडियो एंड मेक योर नॉलेज टू बी परफेक्ट नॉलेज, बिकॉज आई वुड ऑल्सो से टू यू दैट्स के मेरी लिटिल्स मैक्सिमिकस बुद बुद से घड़ा बढ़ता है, ये तो घड़ा ही है, आपका घड़ा बनने में देर नहीं लगेगा। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो, थैंक यू टू सो मच।